बिहार में एमएलसी चुनाव के दौरान बीते सोमवार को एमएलसी के निर्दलीय उम्मीदवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें एमएलसी के निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग किए जाने की खबर मिली है। घर जा रहे थे, रास्ता में करीब 4-5 AK-47 लेकर लोग अंधाधुंध गोली चला दी। इस हमले में एक बाइक सवार युवक की जहां मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 रईस खान के समर्थक शामिल हैं। हमले में रईस खान बाल बाल बच गए। और इस हमले के बाद तरह तरह की राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। वहीं जदयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि जो हुआ वो गलत हुआ है और अब इसका हिसाब होगा, बिल्कुल हिसाब लिया जाएगा। साफ है कि वो बदले की कार्रवाई की बात कर रहे हैं और अब इस घटना के बाद सिवान इलाके में लोगों में दहशत का माहौल है। सिवान के लोग अब मान रहे हैं कि सिवान में एक बार फिर से गैंगस्टर आमने सामने आ सकते हैं और ये मामला तब तक नहीं रुकता दिख रहा है जब तक बदला नहीं लिया जाता। वहीं प्रशासनिक अमला भी इस मामले के बाद सतर्क है और सुरक्षा के चाक चौबंद तैयारी की बात कर रहे हैं। किसी को कानून हाथ में न लेने की भी बात कह रहे हैं। इन सब के बावजूद विधायक द्वारा दिए गए बयान के बाद ये कहना कि कानून व्यवस्था बनी रहेगी कहीं ना कहीं लोगों में संशय पैदा करता है, क्योंकि आज भी बिहार में जो कानून का राज है पूरी तरह कायम नहीं है और गुंडागर्दी, राजनेताओं का प्रश्रय प्राप्त अपराधी जो चाहते हैं वही करते हैं। होगा क्या ये तो वक्त बताएगा। कानून के हिसाब से सिवान में कानून व्यवस्था बनी रहेगी या फिर जिस प्रकार से पूर्व विधायक ने धमकी दी है कि हिसाब होगा, बदला लिया जाएगा, वो बदला लेने में कामयाब होंगे। ये जानने के लिए आप बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।